पार्टी के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता पीसी चाको ने सीएम के जिवाल को किस तरह से घेरा है, आइए सुनिए। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको हैं। चाको साहब, आम आदमी पार्टी की इतनी ज़बरदस्त तैयारी, प्रशांत किशोर को वो लाए हैं चुनाव के लिए, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, इज देयर एनी होप, आपको कोई उम्मीद है कि आपकी कुछ सीटें भी आ सकती हैं? अभी तक केजरीवाल जी अकेले कॉन्फिडेंट में था, अभी अकेले कॉन्फिडेंट नहीं, इसलिए किसी और किसी लोगों को उन्होंने लोन लेते हैं, बट जो भी है उसके साथ है, दिल्ली का लोग उस पर विश्वास नहीं रखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मेजोरिटी से उन्होंने सत्ता में आया है। 5 साल पहले दिल्ली का स्थिति क्या था, आज क्या था, सेम और इससे वर्ष हो गया है। जो कि झोपड़ी का हो, अंडोदरा इस कॉलोनी का हो, दिल्ली का ट्रैफिक प्रॉब्लम हो, दिल्ली का पीने का पानी का प्रॉब्लम हो, प्रदूषण का प्रॉब्लम हो, दिल्ली का स्थिति अच्छा नहीं। केजरीवाल जी ने इतना बहुमत के बाद की दिल्ली को कोई संभावना नहीं दी। बीजेपी हमेशा इनिमिकल है, उन्होंने दिल्ली का लोगों को एगेंस्ट है, दिल्ली का एगेंस्ट है बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए लोग कांग्रेस के लिए वेट कर रहे हैं। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, कांग्रेस का गवर्नमेंट आने के लिए दिल्ली का लोग वेट कर रहे हैं। 15 साल की शिलाजी का गवर्नमेंट दिल्ली को एक मॉडर्न सिटी बनाया, दिल्ली का फैसिलिटीज़ जो आप हम देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी हो, मेट्रो हो, सारा डेवलपमेंट हो, ये सारा कांग्रेस का गवर्नमेंट के टाइम में आया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई फेस आपका होगा, क्योंकि आपने शीला दीक्षित का नाम लिया, अब उस तरह का कोई बड़ा फेस आपके पास है नहीं, कौन टक कर देगा केजरीवाल? शीला जी का नाम हमेशा हमारा असेट है, बट हमारा पार्टी का सिंबल में, पार्टी का नाम पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमको बहुमत मिलने के बाद हमारा MLA से हमारा लीडर को चुनेगा। पीसी चाको कह रहे हैं कि बहुमत मिलेगा कांग्रेस को और लोग कांग्रेस को एक अल्टरनेटिव के रूप में देख रहे हैं। कैमरामैन नारायण के साथ अरुण सिंह, News18 India, दिल्ली। पूरे दिल्लीवासी इसी प्रतीक्षा में थे कि झूठ की सरकार कब खत्म करे और काम करने वाली सरकार कैसे आए। एक ट्रिपल इंजन अब दिल्ली के लिए चाहिए, केंद्र में मोदी सरकार, दिल्ली में बीजेपी सरकार और MCD में बीजेपी का कारोबार, तो यहाँ के विकास का रास्ता तभी प्रशस्त होगा, क्योंकि तरक्की में रोड़े डालने वाले अब समाप्त होंगे। हमें यकीनन है, जैसे पिछले 2 चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है, इसमें भी बीजेपी की सरकार बनी। मैं समझता हूँ वो मजाक करते हैं चुनावों के साथ, जैसे उन्होंने सरकार चलाने के साथ मजाक किया। अगर वो अखबारों में विज्ञापन ना दें, अगर वो मुफ्त की योजनाएं ना घोषित करें, तो केजरीवाल सरकार को जानता ही क्या है कि उन्होंने 5 साल में क्या काम किया जाते हैं। हमारे यहाँ तो हर पार्टी का कार्यकर्ता चेहरा है, और हमारे काम देखिए आप, वो अपना चेहरा ही दिखाते रहते हैं, हम अपने काम दिखाते हैं। दिल्ली के लोग ये देखेंगे कि MCD ने, बीजेपी ने अच्छा काम किया, MCD में, नगर निगम में अच्छा काम हुआ, पुलिस ने अच्छा काम किया, DDA ने अच्छा काम किया, या फिर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा में अच्छा काम किया, स्वास्थ्य में अच्छा काम किया, सड़कें अच्छी बनाई, पानी अच्छा दिया, बिजली अच्छी दी, लोग ये देखेंगे। और सबके सामने है कि दिल्ली के लोग अब दिल्ली को MCD नहीं बनाना चाहते। पूरी कोशिश करेंगे कि इस बारी दिल्ली में BJP आए, क्योंकि दिल्ली की जनता की ज़रूरत भी है, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि 11 तारीख को आपको BJP की सरकार बनती हुई दिखेगी दिल्ली में, बिकॉज जिस तरीके से पिछले 5 साल में इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस, इतने फेक प्रोमिसेस कि हम लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, उसके बाद हम पता नहीं 500 स्कूल खोल देंगे, हम इतने कॉलेजेस खोल देंगे, हॉस्पिटल खोल देंगे, जो चीज़ सिर्फ लोगों को झूठ बोला गया। और मैं हमेशा ये बात कहता आया हूँ कि आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और वो प्रोमिसेस करिए जो आप फुलफ़िल कर सकते हैं। इसलिए जब हम इस बारी चुनाव में उतरेंगे, तो हम दिल्ली को दिल्ली बनाने के लिए उतरेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री और भाजपा चुनाव सह प्रभारी हरदीप पुरी जी। सर, आज चुनाव का ऐलान हो गया है, आप किन कामों को लेकर के मतदाता के पास जाएंगे? भाई, जो काम हम पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, डेवलपमेंट इश्यूज हैं दिल्ली के, एक तो हमारे जो व्यापारी भाई हैं, जिस इस मीटिंग में जो इन्होंने मुद्दे उठाए, जो इनके कारोबार में समस्याएं लाई गई, अटकन हुई, उनको हमने हल किया, और हमने इनका और भी करेंगे, अभी तो ये जो भी हुआ है आगे करेंगे।
दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनीज में रेगुलराइजेशन, 40 से 50 लाख हमारे नागरिक वहाँ रहते हैं, ये जो जहाँ झुग्गी वहीं मकान, इसमें 10 लाख लोगों को फ़ायदा होगा, उनको आवास मिलेगा, और लैंड पूलिंग पे कई मुद्दे हैं, पर ये अनाउंसमेंट अभी हुई है, अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आएगा। मैं तो इस कार्यक्रम में बैठा था जब मैंने अपना स्मार्टफोन देखा और मैंने ये अनाउंसमेंट पढ़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये चुनाव काम पर होगा, तो काम ही पे तो होगा ना, तभी तो उनको चिंता होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 5 साल कुछ किया नहीं, अखीरले 3 महीनों में खूब अपने विज्ञापन निकाल के उन्होंने बोला पोल्यूशन बहुत है, स्वच्छता क्या, अब लंदन और पेरिस बना देंगे, सीधा लंदन पेरिस तक पहुंच गए। अरे भाई वो जो 250-300 स्थान पे दिल्ली की MCD वो ULBs आ रही है, पहले वहाँ पर ढंग करें। अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत आपके साथ बैठ के चुनाव के बारे में बात करेंगे। सर पिछली बार जिस तरह से 67 सीटें आई थी, क्या चुनाव चुनौती मानते हैं? इस बारी विजय हमारी होगी। लोगों को झूठा बता रहे थे यहाँ के मुख्यमंत्री जी, उसका भी जवाब का समय निश्चित हो गया है। यहाँ पे झूठ बोलने वालों का हम लोगों ने बिल भी दिखाया है, पानी का बिल, बिजली का बिल, सब कुछ मीडिया के समक्ष रखा है, और दिल्ली के जो सांस फूल रहे हैं ये सब का एक दिन निश्चित हो गया है, 8 तारीख, और 8 तारीख निश्चित रूप से अब उनका होने वाला है, उनकी शुरुआत होने वाली है दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से, जो लोग सिर्फ और सिर्फ काम करने में विश्वास करते हैं। पहली बार दिल्ली में उन्होंने एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए काम करता है, उनकी शिक्षा से जुड़े हुए काम करता है, उनके घर के बिजली के बिल कम करता है, उनके घर के पानी के बिल कम करता है, उनके अगर दवाई की ज़रूरत पड़े तो दवाई के बिल कम करवाता है, उनके आसपास की गलियाँ बनवाता है, लोकल लेवल पर उनको तीर्थ यात्रा कराता है। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा तो जो उनको रिश्वत से निजात दिलाता है, तो लोग उस पर वोट करेंगे। दिल्ली के लोग जान रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में है वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आम आदमी अपने फोटो दिखा देते हो, यहाँ जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, जिनके सिरों में चोट है, उनकी तस्वीरें नहीं दिखाते, क्योंकि वो सर के पीछे खून बह रहा है, सर के सामने खून नहीं बह रहा, जिसके सिर के मुंह के ऊपर खून बह रहा है वो आपको दिख रहा है, सर के पीछे वाला आपको नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके का भेदभाव, इस तरीके का गलत प्रचार, और बच्चों को पढ़ाई से दूर रखना, ये सब साजिश का हिस्सा है। और बहुत ये जो लफाजी और हवा हवाई सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और जिस तरह से लफाजी और हवा हवाई के माध्यम से दिल्ली की जनता को ठगने का काम दिल्ली की सरकार ने किया है, उसका जनता सूद ब्याज के साथ इन चुनाव में हिसाब किताब करेगी।